हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, आज का जो ईबीएस का वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए है। ठीक है, टुडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास फोर्थ। आज के इस वीडियो में मैं क्लास फोर्थ के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर की रीडिंग। ठीक है, चैप्टर सेवन जो आपके है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से हमें क्या क्या नजारा देखने को मिला, जैसा कि ट्रेन की खिड़की है। ठीक है, यानी कि ट्रेन में हम कोच में बैठे होते हैं उसकी विंडो है। ठीक है, बस की है, ठीक है, और कार है, तो इनकी विंडो से हमें क्या फायदा, घर में खिड़की होने के क्या हमें बेनिफिट्स है। ठीक है, और इनसे क्या क्या नजारा देखने को मिला, तो ये चैप्टर रीडिंग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पर रहे सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे। If you have any doubt, any query, any question, you can contact me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling. So let's come on the chapter. Chapter पर चलते हैं, chapter की reading करेंगे और आज का topic भी chapter reading है, देख लीजिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक चैप्टर रीडिंग जो आपके चैप्टर सेवन है फ्रॉम द विंडो। ठीक है, क्लास फोर्थ के लिए चैप्टर सेवन फ्रॉम द विंडो चल रहा था। इसका आई थिंक मैंने हाफ आधे से ज्यादा पेज इसके रीड करवा दिए। ठीक है, बात कर रहे हैं 17 मई की। ठीक है, 17 मई की बात हो रही है, चैप्टर में ही चल रहा है अभी, तो देख लीजिएगा। आगे पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर हम 4 पर चलते हैं। ठीक है, समटाइम पीपुल क्रॉस द ट्रैक्स। ठीक है, कई बार ट्रैक्स का क्या होता है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था और ध्यान है आप लोगों को, ध्यान हो आप लोगों को, तो मैंने वर्ड मीनिंग्स में लिखवाया था। ठीक है, और नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिएगा ट्रैक, TRACK, ट्रैक। वैसे तो ट्रैक का मतलब तो होता है पता लगाना, क्या होता है पता लगाना। ठीक है, या खोजना, ठीक है, या ढूंढना, ठीक है, कई सारे होते हैं। ठीक है, ट्रैक का मतलब पता लगाना होता है ना, मोबाइल में होता है ट्रैकर, मोबाइल में भी होता है एंड्रॉइड में ट्रैकर, तो इसका मतलब होता है पता लगाना, खोजना, ढूंढना। ठीक है, और वैसे अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में जो ट्रैक का मतलब बताया है, या ट्रैक का मतलब यहां पर जो सेंस है वो है आप लोगों के दौड़ने का मार्ग। ठीक है, क्या है, दौड़ने का मार्ग या रास्ता, दौड़ने का रास्ता, क्या है, दौड़ने का रास्ता, तो ये लिख लिया आपने, ट्रैक का मतलब दौड़ने का रास्ता। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ट्रैक का मतलब लिख लिया, दौड़ने का रास्ता, तो देखिए, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो। ठीक है, कुछ देर बाद मैं क्या हुआ, मैं क्या हुआ, विंडो के पास में क्या हो गया, बैठ गया, विद माई आई क्लोज्ड, और मेरी आंखें क्लोज हो गई। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक तो अप्पा आया था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो बोला कि आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, मैं खिड़की के पास में बैठा हुआ हूं। ठीक है, यानी कि जो अप्पा है ये ट्रेन का क्या है, कोच है। ठीक है, ये ट्रेन का क्या है, कोच है, और ये ट्रेन का कोच है, और इस कोच की जो विंडो है, ठीक है, ये पटरियां हैं नीचे। ठीक है, इस तरीके से ट्रैक पर चल रही हैं। ठीक है, ये ट्रैक है, और इस ट्रैक पर क्या है, ये जो ट्रेन है वो आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, और देख लीजिए, इस में कई सारी सीट्स हैं। ठीक है, ठीक है, इन सीट्स पर ये इस तरीके से सीट्स लगी हुई हैं। ठीक है, कई सारी सीट्स हैं ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक विंडो है, और इस विंडो पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये देख लीजिए, तो बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, ये बता रहा है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये जो विंडो है, ठीक है, विंडो पर वो क्या हुआ, थोड़ी देर तो बैठा रहा, और बैठा रहने के बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ, सो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो सो गया, ये हो गई आप लोगों के विंडो। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ग्रीनरी भी है। ठीक है, ये ग्रीनरी है। ठीक है, और ट्रीज लगे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, और इधर क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और कई सारा जगह जगह कई सारे सीन्स भी हैं जो वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वाटर भी फिल है। ठीक है, और क्लाउड्स हैं। ठीक है, कई सारे ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, बारिश भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बात की जा रही है, देख लीजिए, इस तरीके से ये ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसके आसपास भी ये कोच चल रहे हैं। ठीक है, और आगे की जो लाइंस है वहां पर भी कोच चल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और बात की जा रही है। ठीक है, तो आसपास के जो कई सारी ग्रीनरी है। ठीक है, और ये ग्रीनरी की बात की जा रही है कि पानी भरा हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, बादल भी हैं।
तो वो आगे बता रहा है आई ओपन्ड माई आईज, ठीक है, सडनली द ट्रेन साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन, ठीक है, अचानक क्या हुआ, उसे क्या सुनाई दिया, एक साउंड, मतलब ट्रेन की साउंड अचानक से सुनाई दी, खुड़ 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 खुड़, जो ट्रेन चलती है ना उसकी साउंड सुनाई दी, खुड़ 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 खुड़। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंख को खोला, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस ये, ठीक है, जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन में बैठा हुआ था, ठीक है, जो कि अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, शेयर कर रहा है, ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि क्या बता रहा है कि ट्रेन ने खुड़खुड़ करना स्टार्ट कर दिया, मेरी आंखें खुल गई, गैस, मैंने अनुमान किया, व्हाट आई सी व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा, आवर ट्रेन वाज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर, कि हमारी जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी नदी से, मतलब ये जो नदी बह रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी नदी से हमारी ट्रेन उसके पास में होते हुए निकली, ठीक है, अपने पास में होते हुए निकली हमारी ट्रेन। आगे देखिए क्या कह रहा है वो, ठीक है, ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और बहुत बड़ा क्या था, पुल था, मतलब इतने बड़े ब्रिज में से होकर के हमारी ट्रेन निकली। आगे क्या बताना चाह रहा है, द व्हील्स रैटल्ड एज, ठीक है, आगे बताना चाह रहे हैं कि द व्हील्स, ठीक है, जो पहिए हैं, जो किसके, जो ट्रेन के जो पहिए हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, खड़खड़ 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 खड़खड़, यानी कि रैटल्ड, यानी कि खड़खड़ाने की आवाज आ रही है, जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे हो ना, ट्रेन में नहीं बैठे, हम ट्रेन के कोच में उसकी सीट पर बैठे हैं, किस में बैठे, कभी ये मत बोलना मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में थोड़ी बैठा जाता है, हम ट्रेन का जो कोच है, ठीक है, उस कोच की जो सीट है उस सीट पर बैठते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इट वॉज, ठीक है, और आगे देखिए, ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और बहुत लंबा ब्रिज था, इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, और हमारी ट्रेन ने उस ब्रिज को क्या किया, क्रॉस किया, उस पुल को क्रॉस किया, ठीक है। पुल किस तरीके से था भैया, पुल देख लीजिए, इस तरीके से पुल था, देख लीजिएगा किस तरीके से पुल था, ठीक है, इस तरीके से ये पुल था, ठीक है, और इस तरीके से ये पुल था, इस पुल को क्रॉस किया, ठीक है, हमारी ट्रेन ने क्या किया, इस पुल को क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है, इस तरीके से ये पुल बना हुआ था, ठीक है, और गर्डर्स पर ये रुका हुआ था, ठीक है, इस तरीके से गर्डर्स बने हुए थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गर्डर्स बने हुए थे, इन गर्डर्स पर हमारा जो हमारी ट्रेन है, और ट्रेन उस ब्रिज पर से निकली, ठीक है, इस तरीके से उन गर्डर्स पर से निकली, ठीक है, ये नीचे की तरफ बने हुए होते हैं, ठीक है, जिन पर ये ब्रिज क्या होता है, बेस रहता है, यानी कि टिका हुआ रहता है, ठीक है, और इन पे से क्या निकला, इस ब्रिज में हो करके हमारी ट्रेन निकली। अब ब्रिज के अंदर कैसे निकली, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रिज होते हैं, ठीक है, और ऐसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसमें से हमारी ट्रेन पास हुई, ठीक है, और देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, और इस तरीके के बॉक्स में से हमारी ट्रेन क्या हुई, धड़ 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 क्या हुई, पास हुई, ठीक है, इस तरीके से, और देखिए आगे निकलती गई हमारी ट्रेन, ठीक है, इस तरीके से, और इस ब्रिज में से पास हो गई, ठीक है, इस ब्रिज में से धड़ 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 इस तरीके से पास होती हुई हमारी ट्रेन निकली, ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है वो, आई वेट द, थोड़ी देर बाद क्या कह रहा है, द रिवर, ठीक है, डाउन बिलो द फुल ऑफ वाटर, हम मैंने जब खिड़की में से देखा तो वो नदी में बहुत तेज पानी बह रहा था, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर 17 मई, ये जो बात है ये थी आपके 8:30 की, ये जो बात हो रही है 17 मई, ये टाइम हो रहा था कितना हो रहा था, 8:30, कितना हो रहा था, 8:30, ठीक है, 8:30 बजे की बात। अब उसी दिन की बात करते हैं 17 मई की, ठीक है, एक सेकेंड, 17 मई की बात कर रही है, मतलब क्या है, इस लेसन में आप लोगों को क्या बताया गया है कि जो डेट है जर्नी वो ही है 17 मई, लेकिन उसका क्या कर दिया, टाइमिंग के हिसाब से सीन बताए गए, मतलब 8:30 बजे वो ट्रेन कहां से निकली, एक बड़ी नदी के पास से निकली, ठीक है, और ब्रिज में से निकली, ठीक है, 8:35 पर, ठीक है, 8:35 पर, ठीक है, कई सारे सीन भी देखे गए, ठीक है। 17 मई की बात की जा रही है,
और बात कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब हो चुके हैं 6, ठीक है, 6:58, ठीक है। अब घड़ी में जो टाइम हो चुका है वो है आप लोगों के, ठीक है, 9, 12, ठीक है, 3 और 6, ठीक है। यानी कि ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग जो सुई है वो आप लोगों के हैं, यानी कि घड़ी में जो टाइमिंग हो चुका था, ठीक है, 10, 11, ठीक है। आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि घड़ी में जो टाइमिंग हो चुका था वो 6 o'clock के समथिंग हो चुकी थी, ठीक है। आगे बात की जा रही है, द लास्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटे पहले, ठीक है, Have been so exciting. मैं बहुत एक्साइट था, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट ले चुका था, लंच कर चुका था मैं, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि मैं नाश्ता कर चुका था, ब्रेकफास्ट लेने के बाद देखा, आई क्लाइंब्ड ऑन द अपर बर्थ, मैं जो कोच है इसमें ऊपर की बर्थ पर चढ़ गया, मतलब इस वाली बर्थ पर मैं ऊपर की बर्थ पर चढ़ गया, ठीक है। ये अपर बर्थ होती है, मिडिल, ये सेक्शन डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से, तो मैं अपर बर्थ पर ऊपर की तरफ चला गया। अब जाने के बाद क्या होगा, देखिए आगे बोल रहा है, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, मैंने देखा कि मेरी ऊपर की सीट पर क्या कॉमिक्स पड़ी हुई थी, मैं कॉमिक्स पढ़ने लग गया, ठीक है। कॉमिक्स का मतलब चित्रकथाएं छोटू मोटू की, ठीक है, इस तरीके से। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे बड़ी धूप लगी, ठीक है। सन इस तरीके से हॉट था, ठीक है, सन बहुत गर्मीदा था, ठीक है, नाराज था, ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी वो कर रहा है, हॉट ही था सन, ठीक है, कैसा था, हॉट ही था, ठीक है ना, सनी डे था, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, सडनली, ठीक है, एवरीथिंग बिकेम डार्क, कुछ देर बाद सब कुछ डार्क हो गया, एवरीथिंग इज डार्क, ठीक है, सब कुछ अंधेरा छा गया, क्यों छा गया, इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड, क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ी सी ठंडक, कैसे ठंडक कैसे हुई, हमारी ट्रेन किस में से निकली, टनल में से, सुरंग में से। अंधेरा पूरी ट्रेन में कब होता है, या तो रात में सफर करते हैं, जबकि जो सीन बताया गया है ये मॉर्निंग का यानी कि दिन का बताया गया है, तो हमारी ट्रेन निकली एक सुरंग में से होकर के, और सुरंग में क्या था, अंधेरा, और पूरी ट्रेन में क्या हो गया, डार्कनेस होगी। देन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन, जब लाइट क्या हुआ, जैसे ही सुरंग में घुसी टनल में, हमारे कोच की जो लाइट है वो ऑन हो गई, वी हैव एंटर्ड अ टनल, हमने एक सुरंग में एंटर किया, ठीक है। एंड दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, चोटियों से होते हुए वो ट्रेन वहां से पास हुई, द टनल सीम टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज सडनली वी आर डे लाइट अगेन, हम उस सुरंग में से निकले, सुरंग में से हमारी ट्रेन निकली और छुक 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 करती हुई निकली और चोटियों के सहारे बाहर निकल गई, ठीक है। आगे कह रहा है वी आर डे लाइट अगेन आउटसाइड, दोबारा जब उस अंधेरे में से हम दिन के उजाले में आए तो वही सन भाई साहब दोबारा गर्मी करने लगी, ठीक है, दोबारा गर्मी थी, बाहर क्या था, सनी डे था, क्लाउडी, ठीक है, सनी डे था, हॉटनेस थी। अप्पा ने एक्सप्लेन किया, वी आर, ठीक है, वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन, अब हम चोटी के दूसरी साइड है, अप्पा जी ये रहे, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया इन्होंने, क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि भाई साहब अब हम जो है ना, हम किधर की साइड है, किधर की साइड, हम चोटियों के दूसरी तरफ है, ठीक है, ये कह रहा है हम चोटियों के दूसरी तरफ है, तो अप्पा जी कह रहे हैं, ठीक है, अप्पा ने क्या बोला कि हम किधर है, चोटी के अब दूसरी तरफ आ गए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू फोर स्मॉलर, यानी कि हमने बहुत छोटी जो है फोर स्मॉलर टनल्स पास कर लिए, ठीक है, नाउ आई एम एंजॉयिंग, और हम एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूं इस लंबी टनल का, ये अप्पा जी कह रहे हैं, ये अप्पा रहे और ठीक है, अप्पा जी कह रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, आपके जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, नाउ इट इज आफ्टरनून, ठीक है, अब थोड़ी धूप हो चुकी है। आगे बात की जा रही है फॉर लंच, लंच का टाइम भी हो चुका है, यानी कि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है और बच चुके हैं, अब बात कर रहे हैं उसी दिन की, यानी कि 17 मई की ही बात हो रही है और टाइम हो चुका है कितना, 12:39 और 6, 12:15 का टाइम बताया गया है, ठीक है, यानी कि 12:15 का, ठीक है, टाइम बताया गया है पीएम का, ठीक है, उसी दिन का सीन है, तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है,
फॉर लंच वी हैड, ठीक है, इडली वड़ा, ठीक है, हमने क्या खाए, अब मुंह में पानी आएगा आप लोगों के, क्या खाए, इडली वड़ा, ठीक है, वी वॉट फ्रॉम, ठीक है, उदीपी स्टेशन, एक उदीपी स्टेशन का नाम है, वहां से हमने इडली वड़ा लिए, ठीक है, वी ऑल्सो वॉट सम बनानाज, हमने कुछ केले भी लिए, ठीक है, वर वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी टेस्टी, छोटे थे केले लेकिन टेस्टी बहुत थे, ठीक है, नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री, हमने कई कोकोनट ट्री यानी कि जो नारियल के पेड़ देखे, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स देखा, ठीक है, अम्मा ने कहा, अम्मा सेज, दीज आर पेडी फील्ड्स, अम्मा जी, अब अम्मा देखिए जी, ठीक है, ये रही अम्मा जी, ठीक है, अम्मा कह रही है दीज आर द पेडी, PAWY, पेडी का मतलब ये धान के फील्ड है, ये भी ट्रेन में सफर कर रही है अम्मा जी भी, ठीक है, अम्मा जी भी ट्रेन में सफर कर रही है, ठीक है, अम्मा जी भी कर रही है, ठीक है, ट्रेन में सफर कर रही है अम्मा जी, ठीक है, तो अम्मा जी कह रही है दीज आर द क्या है, पेडी फील्ड, ठीक है, अम्मा जी कह रही है दीज आर द पेडी फील्ड, ये धान के खेत हैं, ठीक है, आगे देखिए, द हाउस एंड विलेजेस, जो घर और गांव है वो बहुत डिफरेंट लग रहे थे, लोग बागों के कपड़े भी बहुत डिफरेंट थे, जैसा कि हमने वी सीन अहमदाबाद, जैसा कि हमने गुजरात में देखा अहमदाबाद, उनसे तो डिफरेंट ही थे, मैनी पीपल हु वर विद अस, जो ऐसे कई लोग जो हमारे साथ थे, जो अहमदाबाद से थे, ठीक है, अहमदाबाद से थे, हैव गॉट ऑफ पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, अलग अलग स्टेशन से अलग अलग लोग बाग चढ़े, ठीक है, सबका पहनावा अलग था, बोलचाल की भाषा थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है, खाने पीने का थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, मेटेरियल भी, और वो यूं कह रहे कि ये बताया गया कि जो अहमदाबाद से लोग चढ़े उनकी थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज थी, बोलने का तरीका भी अलग था। आगे चले सुनील फैमिली, अब देखिए सुनील की जो परिवार इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, ठीक है, सुनील का जो परिवार है, ठीक है, आगे बताया गया इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, कोझिकोड पर उतर गया, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, अब कोझिकोड जो स्टेशन है वो 6 o'clock के समथिंग आया, वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस, हमने एड्रेसेस एक्सचेंज किए, प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद हमने जो एक दूसरे के पते दे दिए, भैया सुनील आप हमारा पता ले लीजिए और आप सुनील हमें अपना पता दे दीजिए, दोनों ने अपनी अपनी एड्रेस एक्सचेंज कर लिए कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके देख लीजिए टुनाइट, ठीक है, अब 17 मई की बात है, रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही 17 मई की बात हो रही है, ठीक है, 17 मई की रात की बात हो रही है, ठीक है, टुनाइट यानी कि देखिए नाउ इट इज नाइट, रात हो चुकी थी, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग, हमने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours, मतलब ट्रेन पहुंच जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, कोट्टयम, ठीक है, एक जगह का नाम है कोट्टयम, KOTTAYAM, कोट्टयम पहुंच जाएगी ट्रेन, आगे देखिएगा, आज रात को वी विल गो टू, ठीक है, वलियामम्स हाउस, और आज रात को हम वलियामम्स हाउस पहुंच जाएंगे, टुमारो वी विल टेक द बस, हम कल बस लेंगे, एंड वी टेक अस टू, ठीक है, अनुअम्मास ब्लेस, अनुअम्मास के जो हम हमारी अम्माज है वो अम्मा के घर हम पहुंच जाएंगे, गांव पहुंच जाएंगे, वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, हमने दिन में ट्रेन में 2 दिन का सफर किया है, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है, इट हैज बीन कम्प्लीटेड, ठीक है, कम्प्लीट हो चुकी थी, वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हमने बहुत सारा मजा किया, मस्त की खाना खाया, कई सारे सीनरी देखी, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, मैंने अपनी डायरी को अपने बैग में पुट कर लिया, रख लिया, आई विल राइट अगेन, मैं दोबारा लिखूंगी या लिखूंगा जो भी है, आफ्टर वी रीच अम्मास हाउस, ठीक है, अम्मास हाउस, अब जब हम मैं दोबारा लिखूंगी जब हम वापिस अपने घर लौटेंगे। आज की वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर जो 7 है फ्रॉम द विंडो, इसके राहुल सर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और EBS को पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहिए। आज की वीडियो में चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो क्लास 4th के लिए कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राहुल सर इसके क्वेश्चन आंसर PDF फाइल बना करके आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। फिर चैप्टर हम 8 पढ़ेंगे, जो चैप्टर 8 है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, दादी माँ के घर पहुंचने का तरीका या पहुंचने पर कैसे पहुंचे, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, ये चैप्टर 8 रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।